हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं नारियल की बर्फी। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। ये लिए है हमने नारियल। नारियल को हमने छील के ले लिया है। ये कच्चे नारियल थे पर कई दिन से रखे हुए थे तो थोड़े थोड़े पक भी गए हैं, तो इनका ऊपर का छिलका उतार लिया है, क्योंकि बर्फ़ी में जो है ऊपर का छिलका थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, काला काला सा होता है वो। तो छिलका उतारने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसको मिक्सर में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। देखिए एकदम से बिल्कुल इसका चूरा तो नहीं होता, इसे बुरादा सा हो जाता है, तो ऐसा ही हमें पीस करके रेडी कर लेना है। अगर साथ साथ में वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए सारा जो नारियल है, तीन नारियल थे तो हमने पीस करके रेडी कर लिए हैं। ये अब हम लेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर और एक गिलास के करीब डालेंगे इसमें दूध। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं डालना है तो आप यहाँ पे मावे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चम्मच डाला है हमने घी और 3 से 4 चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी मिठास होती है, तो इसलिए चीनी थोड़ा टेस्ट के अनुसार ही डालें। पहले अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना गैस जलाएँ, और फिर मिक्स करने के बाद में हम गैस को चालू करेंगे, क्योंकि एकदम से अगर हम गैस चालू करेंगे तो चिपकने लग जाता है मिल्क पाउडर जल्दी से। ये देखिए अब हम इसको पकाते पकाते इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं डालना है तो आप मावा भी डाल सकते हैं। तो मावा जब डालोगे तो पहले घी में थोड़ा सा हम उसको सेकेंगे नारियल को, उसके बाद हम मावा डालेंगे। पर अभी हम ये मिल्क पाउडर से बना रहे हैं, पहले उसको मावे जैसा गाढ़ा बना के उसके बाद डालेंगे। अभी डाला हमने इसमें थोड़ा सा पिंक कलर, फूड कलर जो आता है पिंक कलर का वो वाला, ताकि जो बर्फ़ी है हमारी देखने में थोड़ी अच्छी लगे। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, वाइट कलर का भी रख सकते हैं। देखिए मैं ये दूध उबल के थोड़ा गाढ़ा हो गया है, ये मावे जैसा हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे हम अपना नारियल का बुरादा। यहाँ पे हमने घी और चीनी सब अच्छे से इसमें पहले से मिक्स कर दिया था, अब और कुछ मिक्स नहीं करना है, बस इसमें नारियल ही डालना है। अगर मावे से बना रहे हो तो पहले अपने को नारियल भूनना है थोड़ा सा, उसके बाद हम मावा डालते हैं, ये बस ध्यान रखना। ये देखिए 5-6 मिनट पकाने के बाद में ये अच्छे से पूरा मिक्सचर रेडी हो गया है जमने के लिए, और कलर भी इसका अच्छा सा कलर आ गया है पिंक कलर का। कलर तो आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलर का कोई टेस्ट नहीं आता। ये देखिए अब ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम कोई भी प्लेट या ट्रे ले लेंगे जिसमें आपको बर्फ़ी जमानी है, थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम अपना मिक्सचर डालेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में इतनी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है जो नारियल की बर्फ़ी है। और कई सारे अगर नारियल घर पे कभी कभी इकट्ठे भी हो जाते हैं पूजा के, तो क्या करें क्या करें। तो ये देखिए हमने ये अच्छे से जमा करके रख दिया था। अब इसको हम कट कर लेंगे पीसीस में। 2 से 3 घंटे के बाद ही ये जम जाती है बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जमती है ये। ये देखिए कितनी बढ़िया सी बर्फ़ी बन करके रेडी हो गई है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है बर्फ़ी का, और इतनी ही लाजवाब दिखने में है, इतनी ही लाजवाब ये खाने में भी होती है। कितनी आसान सी रेसिपी है, कभी भी कई कई बार पूजा के बहुत सारे नारियल अपने पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए। कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।